नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिशिया मेडिसिन के बारे में। जस्टिशिया मेडिसिन का जो पूरा नाम है वो है जस्टिशिया अडाटुडा और इसका जो कॉमन नेम है वो है वसाका। आयुर्वेद में इस प्लांट को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है सांस संबंधी समस्याओं के अंदर, और होम्योपैथी में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है कोराइजा के अंदर, यानी जुकाम के अंदर, खांसी के अंदर, निमोनिया के अंदर, टीबी के अंदर, ब्रोंकाइटिस के अंदर, अस्थमा के अंदर, इन समस्याओं में इस दवा का इस्तेमाल होम्योपैथी में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथी में जब हम किसी दवा को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम उसके लक्षणों के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जस्टिशिया दवा के क्या क्या मेन लक्षण हैं जिसके आधार पर हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में इस दवा का इस्तेमाल होता है, किस पोटेंसी में, किस डोज में और किस रिपीटेशन से हमें इस दवा को लेना है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम सबसे पहले लक्षण की तरफ, और इसका मेन लक्षण है, जो सबसे पहला लक्षण है वो है सिर दर्द यानी हेडेक। हेडेक दोस्तों, जो जस्टिशिया के पेशेंट का जो हेडेक होगा वो फोरहेड के अंदर होगा, हेड पेन। और सिर दर्द क्या होगा, आगे से फिर बहुत ज़्यादा भारीपन होने लग जाएगा, जो टेम्पल्स रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पल्सेटिंग पेन होगा, इस तरह का पेन होगा कि जैसे फड़फड़ाने वाला पेन होगा। थोड़ी सी भी हवा से, थोड़ी सी आवाज़ से या थोड़ी सी भी रोशनी से, रोशनी अगर आंखों में पड़ रही है, थोड़ी सी हवा अगर लग रही है सिर के ऊपर या थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है, तो पेशेंट का सिर दर्द होना शुरू हो जाता है जस्टिशिया के पेशेंट का। दूसरी दोस्तों, ये दवा काम करती है एक्यूट साइनोसाइटिस के अंदर। एक साइनोसाइटिस होता है दोस्तों, हमारे जो ये साइनस होते हैं ना, इनके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ऐसा तब होता है जब हमें बहुत लंबे समय तक 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन तक अगर हमें जुकाम रह जाए, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता रहे और हम बार बार नाक साफ़ करने की कोशिश करते रहें, हमें छींकें आती रहें, कोराइजा की अगर हमें समस्या हो जाए तो हमें साइनोसाइटिस की समस्या हो जाती है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर जस्टिशिया दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, ये दवा काम करती है कोराइजा के अंदर। अगर आपके नाक से पतला पानी आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नाक से पतला पानी के साथ बहुत ज़्यादा छींकें, सिर दर्द, अगर आपका नाक बंद हो जा रहा है, आपको किसी भी चीज़ की टेस्ट का पता नहीं लग रहा है, हमें स्मेल का किसी चीज़ का पता नहीं लग रहा है, हमारा जो नोज़ है वो एकदम, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर की, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। जुकाम को इंस्टेंटली ठीक करने में ये दवा हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये काम करती है दवा थ्रोट के अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ निगलने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई भी चीज़, अगर इवन आप अपना जैसे थूक भी स्वेलो करते हैं तो भी आपको पेन हो रहा है, गला ऐसे सूख रहा है पूरा, वो गले के अंदर जो बलगम है ना वो यहाँ पे अटक गई है, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते इस तरीके से बाहर होकिंग करते हैं, आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर वो बाहर नहीं आती, वो वहाँ पे चिपक जाती है, ना ही वो अंदर जाती है ना ही वो बाहर आती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जस्टिशिया दवा क्या करती है, आपके बलगम को सॉफ्ट करके बाहर निकालने में मदद करती है और आपकी चेस्ट को, थ्रोट को क्लियर करती है। अगला दोस्तों, इसका सबसे मेन एक्शन है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, लंग्स के ऊपर इस दवा का सबसे मेन एक्शन होता है। अगर आपकी छाती में बलगम है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप जब सांस ले रहे हैं तो बलगम इतना बज रहा है कि दूर बैठे इंसान को पता लग रहा है कि इनकी चेस्ट के अंदर वीजिंग साउंड आ रहा है या रैटलिंग साउंड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑडिबल रैटलिंग, जो दूर से सुनाई दे जाए, इतनी ज़्यादा गड़गड़ की आवाज़ आना छाती में से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। खांसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और इसके साथ साथ आपका बलगम जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है, छाती के अंदर जो बलगम है वो अंदर की तरह अंदर बजता जा रहा है, वो बाहर निकलने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप बहुत बार हुकिंग कर रहे हैं, बार बार आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, फिर भी आपका बलगम बाहर नहीं आ रहा, और जो भी थोड़ा बहुत बलगम आपको लग रहा है कि बाहर आ रहा है उसका कलर जो होगा वो बहुत ज़्यादा येलो कलर का होगा, पेशेंट को अस्थमेटिक जो कफ होगी और अस्थमेटिक कंडीशन पेशेंट की हो जाएगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जस्टिशिया दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। दूसरा है दोस्तों, अगर आपके थ्रोट के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, आपको खांसी है, जो ड्राइनेस गले के अंदर ड्राइनेस होने की वजह से आपको सूखी खांसी आ रही है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, खांसी आपकी अगर आप बैठे हैं पूरा कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम से खांसी शुरू हो जाएगी, फिर एकदम से आपको 10-15-20 बाउट्स ऑफ कफ आएंगे, इतनी ज़्यादा खांसी आएगी एकदम से और फिर एकदम से रुक जाएगी, तो इसको बोलते हैं पैरोक्सिज्म ऑफ ड्राई कफ, और ऐसी पैरोक्सिज्म के अंदर जस्टिशिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। दूसरा दोस्तों, बच्चों के अंदर और ओल्ड एज के अंदर, बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे वो लेटते हैं रात को तो लेटते हैं उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है, और या बाईं तरफ लेटते हैं तो उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या उनको बैठ के पूरी रात निकालनी पड़ती है, बच्चे रोने लग जाते हैं, उनको नींद, सोना चाहते हैं, नींद आ रही होती है लेकिन वो लेटते हैं उनको खांसी शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जस्टिशिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है।
ओल्ड एज के अंदर भी आपने देखा होगा कि छाती के अंदर बलगम जमा हो जाता है, वो बार बार होकिंग करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, बलगम निकलता नहीं है क्योंकि चेस्ट इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो एक्सपेक्टोरेशन को कफ को बाहर नहीं निकाल पाती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिनेगा भी बहुत अच्छी दवाई है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, साथ ही साथ जस्टिशिया भी बहुत अच्छा इस कंडीशन में काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक चीज़ आपने ध्यान की होगी कि अगर आप कोई भी होम्योपैथी की कफ सिर्फ लेने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, आपको उसके अंदर जस्टिशिया मेन मेडिसिन के रूप में मिलेगी। जस्टिशिया इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों कि वो हर कफ सिरप के अंदर आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन की कफ सिरप यूज़ करते हैं, एलोपैथी की अंग्रेजी दवाओं में कोई कफ सिरप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर एक नशा होता है, केमिकल्स होते हैं, वो टेम्परेरी आपके कफ को रोक देंगे, पर उसके बाद वो आपके क्या है, छाती में बलगम जमा हो जाएगी, उस बलगम को बाहर नहीं निकालेगी, सूख जाएगी, फिर आपको सांस लेने में परेशानी और दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप होम्योपैथी की कोई भी कफ सिरप या होम्योपैथी का मदर टिंचर आप यूज़ करते हैं तो ये परमानेंट ठीक करती है डिजीज़ को, इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है आपको। तो इससे अच्छा है कि अगर आप कोई कफ सिर्फ एलोपैथी यूज़ करें तो इससे अच्छा है कि आप होम्योपैथी की जस्टिशिया मदर टिंचर यूज़ कीजिए, या जो होम्योपैथी में बहुत सारे कफ सिर्फ आते हैं जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो आप उन दवाओं को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और अगर आप मदर टिंचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 15-15 बूंदे 20-20 मिनट के अंतराल से 3 बार गर्म पानी के साथ लीजिए घूट घूट करके, तो आपको इंस्टेंट आपकी जो खांसी है वो रुक जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर आपको रूटीन में खांसी आ रही है तो आप दिन में 3 बार 20-20 बूंदे ले सकते हैं, और ये दवा भी आपको इस तरीके से भी आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, और 5-10 दिनों के अंदर आपकी जो क्रोनिक कफ है, पुरानी खांसी है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप कोई भी कफ सिर्फ लेना चाहते हैं तो कफ सिर्फ भी होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है, और साथ ही साथ अगर आप मदर टिंचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मदर टिंचर को SBL या श्वाबे कंपनी का यूज़ कीजिए, इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। मैं इन्हीं कंपनी के मदर टिंचर यूज़ करता हूँ, बाकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं अलग अलग डॉक्टर्स की। अगर आप इन दवाओं को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप गढ़वाल होम्योपैथी का कूपन यूज़ करेंगे तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और ये दवा आपको आसानी से लिंक के थ्रू मिल जाएंगी। अगर आप किसी होम्योपैथी स्टोर से बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ये दवा ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा, और क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता हूँ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं ये वीडियोज़। अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में कंसल्ट लेना चाहते हैं तो आपको एक नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।